नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर दतिया में महिला बाल विकास द्वारा बालिका उत्सव का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में कलेक्टर RPS जादून, जिला पंचायत CEO आशीष भार्गव समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 28 प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप 5000 और 1000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इन छात्राओं को महिला बाल विकास में जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे अन्य छात्राओं को प्रेरणा मिल सके। जिला कलेक्टर RPS जादौन ने इस मौके पर कहा कि बेटी बचाओ अभियान दतिया जिले में 2011 में शुरू हुआ था और मेरा सौभाग्य यह है कि उस दौरान मैं जिला पंचायत में पदाधिकारी था। बेटी बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस बेटी बचाओ अभियान का प्रारंभ वर्ष 2011 में मुझे याद है। अक्टूबर के महीने में पूरे प्रदेश में दतिया जिले से ही प्रारंभ हुआ। उस दिनांक को मैं दतिया के मुख्य कार्यपाल अधिकारी के रूप में पदस्थ था और ग्यारह कार्यक्रम था इस अभियान को यहाँ से संचालित कराया था पूरे प्रदेश स्तर पर। ये मेरे लिए बड़ा खुशी और सौभाग्य का विषय है। कलेक्टर RPS जादौन ने लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहने का संकल्प दिलाया। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।